प्लेटफॉर्म है। हम सब लोग बहुत लकी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत के अंदर अभी समझिए शुरुआती दौर पे है। 2020 के बाद बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री में, जैसे आज देखते नहीं कि बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, एमएड कर लीजिए, उसके बाद लोग लेक्चरर या गवर्नमेंट जॉब की फाइट करते हैं। ऐसा बहुत जल्दी इंडिया में होने वाला है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रायोरिटी बेस पर लाएंगे, साथ बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि हम ऐसा एग्जाम्पल पेश करेंगे। ऐसे हमारे आपके बीच में अभी तक क्या था कि एक रियल एमएलएम की स्थापना नहीं हुई थी भारत में कि जिसमें हम अपना टैलेंट लगा पाए। आज भरद्वाज जी हो गए या बहुत सारे यहाँ पर साथी हैं, रमेश पांडे जी हो गए, कि कई कंपनियों में, इवन मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे काम किए, लेकिन सही प्लेटफॉर्म न होने की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब हो गया या प्रोडक्ट खराब हो गए या किसी रीजन से हटना पड़ा। कोई खुशी से नहीं हटता, मजबूरी बस हटता है। आज हम सब लोग बहुत लकी हैं कि कल्पा अमृत पूरे भारत में एक रियल एमएलएम की स्थापना कर रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई और ये बात आपने सही तरीके से एक आम आदमी को पहुंचा दिया, तो वो दिन दूर नहीं कि लोग आपके साथ होंगे। मैंने भी एक छोटा सा विजन रखा है इस पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री में। जो लोग कोई भी सिस्टम कर रहे हैं, कौन सी किसी एवलम में, मुझे नहीं पता, हर आदमी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन मेरा टारगेट है 2021 इंड होते होते इस पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री के टॉप वन पे आना। हम सब टॉप वन पे आएंगे। और उसके साथ साथ आज तक हमने आपने सुना है कि नेटवर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कंपनी का साम्राज्य 1 करोड़ लोगों का होता है। मेरा ऐसा छोटा सा विजन है 2021 तक 1 करोड़ लोगों से ऊपर का नेटवर्क होगा अपने। बाई प्रोडक्ट सर, पैसा तो अपने आप आना है। क्यों? क्योंकि सर पैसा, आप कोई अच्छा काम करो समाज के लिए तो पैसा उसके रूप में, रिवार्ड के रूप में मिलता है। अगर आप पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम करें, आज हम समाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है बीमारी की, है ना सर, मानते हैं। आज हर आदमी परेशान है, डॉक्टर साहब ने भी कहा आज डायबिटीज से लोग बिल्कुल परेशान है। इवन मेरे फादर की भी डेथ डायबिटीज की वजह से हो गई। 20 साल से डायबिटीज थी, कोई उपाय नहीं था, करें क्या, किडनी खराब हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और लास्टली फादर एक्सपायर हो गए। आज ऐसे भारत में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको आज ईएमआर की जरूरत है। हम अपने ईएमआर को लेकर के उन तक पहुंचे, एक मिशन के रूप में हम काम कर सकते हैं। आज भारत में बहुत सारे लोग माइग्रेन से परेशान हैं, बीपी से परेशान है, गोली गोली छोटी छोटी गोली खाते हैं निकालिया के रूप में बीपी को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए कल्पा अमृत के प्रोडक्ट वरदान है। अब हम इसको अगर वाकई में समाज में एक मिशन के रूप में काम करें और घर घर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं, तो पैसा तो सर बाय प्रोडक्ट है, वो तो सिस्टम से आपको आना ही आना है। आएगा कि नहीं आएगा सर, बस आप एक काम करेंगे, अपने दायरे को बड़ा करें। अगर आपकी सोच के दायरा बड़ा नहीं होगा तो आप सिर्फ एक ही क्षेत्र में भागते रहेंगे, एक ही क्षेत्र में लगते रहेंगे, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें। भारत में एक चीज मैं जानता हूं, टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे। और आप अपनी नॉलेज के हिसाब से भागे, आपको केवल एक काम करना है जो मैं करता हूं, वो क्या है पता है, बता दें साहब, वो है अच्छे से अच्छे लोगों को सर्च करना। जितना अच्छा आप सर्च करोगे उतनी तेज आपको सक्सेस मिलेगी। सर्चिंग पीपल, अच्छे लोगों को सर्च करें, क्योंकि वही लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे, जिनके रियल में सपने हो। सपने पर मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात को विराम दूंगा। सपने वो नहीं होते जो, या टारगेट वो नहीं होते जो हम दूसरों के सामने बोलते हैं। सपने, टारगेट, गोल, जिसको हम जिस भाषा में समझे, जब आप अकेले में हो उस वक्त आप अपने आप से क्या बात करते हो उसी पर आपकी सफलता और असफलता निर्भर है। अगर आज यहां से जाने के बाद बहुत सारे लोग अपने आप से बात करें कि मेरा जीवन किस लिए से हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है, पैसा ही कमाना है, तो भाई मेरे ख्याल से 1.25 साल में अगर आपकी 20 से निकल करके